हमारे साथ हैं दिल्ली एजुकेशन की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नीरज। आइए जानते हैं उनसे एजुकेशन के बारे में कुछ बातें। मैम हमें ये बताइए कि हमारी एजुकेशन में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है ताकि जो आज पुलवामा वाले हमारे जो केस हुआ है वो आगे फ्यूचर में ना दोहराया जाए, हमारे बच्चे इतने एजुकेटेड हो जाएं कि वो कभी हिंसा की तरफ जाए नहीं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अभी आपने डिप्टी सीएम सर का और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर का इसकी सुना होगा, मैं उन्हीं के शब्दों को एंडोर्स करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि हम एजुकेशन में जो कर रहे हैं इस समय वो इन्हीं जो मानसिक विकार हैं यानी कि मनुष्य की पशुता से उसको इंसानियत की तरफ ले जाने की एक मुहिम है जिसकी तरफ सारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है इस समय, क्योंकि आप शिक्षा में ही वो चीज़ है कि इंसान को उन विकारों से, उन विकृतियों से वो दूर कर सकती है। दूसरा, जो हैप्पीनेस करिकुलम हमारे डिप्टी सीएम सर ने लॉन्च किया है स्कूलों में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है इन विकारों को दूर करने का, क्योंकि मनुष्य और पशु में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, केवल उसके परिष्कृत होने का ही डिफरेंस है। तो वो परिष्कार केवल शिक्षा से आ सकता है और उसमें अच्छे संस्कार इनकल्केट करने से आ सकता है। तो उसकी तरफ हमारा पूरा करिकुलम चल पड़ा है, हम सभी टीचर्स एंड पूरा अधिकारीगण भी इस दिशा में लगा हुआ है कि ये जो परिष्कार है वो शिक्षा के जरिए आए और भविष्य में ऐसी गलती कम से कम हमारा समाज ना कर सके। ऐसे जो मैं पशुवती कहूँगी ऐसे प्राणियों को, ऐसे प्राणियों का उत्पन्न होना ही अपने आप में समाज की एक फेलियर है जिसको केवल शिक्षा ही दूर कर सकती है, और हम पूरी लगन से इस तरफ लगे हुए हैं। पेरेंट्स और टीचर दोनों का कितना रोल होता है एक बच्चे को एक अच्छे ग्रो करने के लिए? दोनों का इक्वल रोल होता है, लेकिन जो गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी एक बैकग्राउंड है जहां हम अभी पावर्टी से जूझ रहे हैं, बहुत सारा मार्जिनल लेबरर्स के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, वहां मैं ये सोचती हूं कि जो शिक्षक है वो बच्चों का पेरेंट्स से भी बड़ा अभिभावक होता है। जो पेरेंट्स हैं बच्चों को शिक्षक और इंस्टीट्यूशन के हाथ में सौंप के चले जाते हैं, तो यहाँ पर मैं उनका रोल सबसे ज़्यादा बड़ा मानती हूँ, क्योंकि बच्चा फर्स्ट से यानी कि नर्सरी से बल्कि बहुत इनिशियल ईयर्स से लेकर और ट्वेल्थ तक उनके पास रहता है। तो अगर बच्चे में कुछ भी डेवलप होता है तो उसमें सबसे पहले तो डेवलप होने के लिए, किसी भी विकार के डेवलप होने के लिए मैं थोड़ा सा जिम्मेदारी मानती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग अपनी फेलियर स्वीकार करें तो अच्छा है, लेकिन साथ में अगर हम ये अपना अभिभावक बहुत अच्छे से अपने अंदर ये ऑन कर लें कि ये बच्चा हमारा है, एक बार पेरेंट्स ने हमारे पास ये सुरक्षित करने के लिए छोड़ दिया है तो हमें इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ऑन करनी चाहिए ये जिम्मेदारी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी घटना होगी या कुछ भी ऐसा होगा जो अप्रिय लगे। पर लोगों के मन में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को लेकर भी कुछ रहता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं और प्राइवेट के बच्चे ज़्यादा एजुकेशन गेन करके अच्छे प्रोफेशनल्स पे जाते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक अपने आप में मिथ है। सरकारी स्कूलों के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे, मैं खुद सरकारी विद्यालय की ही पढ़ी हुई एक विद्यार्थी रही हूँ और बहुत अच्छे अधिकारी हमारे सरकारी विद्यालयों ने दिए हैं। नो डाउट कि प्राइवेट स्कूल्स ने भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस को CEOs दिए हैं, अधिकारी दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें सरकारी विद्यालयों की अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करूँ तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सरकारी सिस्टम में कॉन्फिडेंस भरता है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि बच्चा पूरा उसको जो एक्सपोजर मिलता है एक ऐसी बैकग्राउंड से आकर और फिर हर तरह के चैलेंजेस के बीच में पढ़ने का, वो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ता, वो एक बिल्कुल ऐसी स्मूथ रोड के समान है जहाँ पर थोड़ी बहुत फिसलन चलती रहती है, लेकिन रोड पे फ्रिक्शन हो, संघर्ष हो थोड़ा, तो ज़्यादा कामयाबी पूर्ण कैरियर बनता है। तो इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगी कि हम लोगों ने बहुत काम किया है सरकारी विद्यालयों में, और जैसा कि अभी डिप्टी सीएम सर ने कहा कि इसमें जो ये हैप्पीनेस करिकुलम है या जो भी इन्होंने बहुत अच्छे हमारे इनिशिएटिव लिए हैं उसमें मैं सोचती हूँ कि हम अधिकारीगण भी एक सेतु का काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक प्राइवेट स्कूल एंड पब्लिक सरकारी स्कूल में दोनों में एक सामंजस्य नहीं होगा, दोनों मिलकर नहीं चलेंगे, तब तक एजुकेशन फील्ड में कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमसे जुड़ें, हम लोगों से आप सीखें, हम आपसे सीखें, जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं हम आपसे लें, और दोनों ही पैरेलल और सामंजस्यपूर्ण ढंग से अगर चलेंगे तो एक बहुत अच्छी इंसानियत भारत में विकसित होगी। थैंक यू मैम।
हैदर जी, पहले पहले आपको मुबारक हो, आपका स्कूल का एनुअल फंक्शन है। और मैं जानना चाहता हूँ कि पुलवामा में जो केस हुआ है हमारे सैनिकों के साथ, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, बहुत दुखद एक्ट हुआ है ये, एज़ फार एज स्कूल इज़ कंसर्न, एजुकेशन इज़ कंसर्न, सब लोग हिल गए हैं। बिकॉज आज के टाइम में इस तरह से अगर हमारे जवानों के साथ एक्ट हो रहा है, तो वी कैन थिंक ऑफ हाउ सेफ वी सिविलियंस आर। सेकेंडली, ये जो एक्ट हुआ है, इट इज़ इनह्यूमन एक्ट है। एक साथ 40 लोगों को इंटरनली मारना, प्लस डेफिनेटली मे बी देर इज़ अ चांस ऑफ पाकिस्तान टू बी इन्वॉल्व इन दिस, बट देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड ऑल्सो। हमें जो सर ने अभी सिसोदिया जी ने बोला, बिल्कुल सच्चाई है कि एजुकेशन लोगों को नहीं मिली है, कश्मीर में माइट बी या कोई भी स्टेट में, जिसकी वजह से बच्चे गुमराह हो रहे हैं और उनको ज़रूरत है कि एजुकेट किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको रिलीजन का मतलब समझाया जाए, क्योंकि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। हमारे इस्लाम में कभी भी किसी को भी मारना अलाउड नहीं है, और ये जो एक्ट हुआ है ये बहुत इनह्यूमन एक्ट है। इसको किसी भी रिलीजन में, माइट बी इट्स इस्लाम, माइट बी इट्स हिंदुनिज़म, माइट बी इट्स एनी प्लेस, ये इसको नहीं सराहा जाएगा, और हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और इसीलिए हमने आज ये फंक्शन में छोटा सा ट्रिब्यूट दिया है बच्चों को, बच्चों की तरफ से, और कोशिश ये की जाएगी कि हम इसको आगे भी करें अपने स्कूल में, और हम कोशिश करेंगे कि ये स्टूडेंट्स बच्चों को समझ में आए इसकी वैल्यू, कि जो सोल्जर्स के साथ होता है और उनकी फैमिलीज़ को कैसा महसूस होता है। क्योंकि बहुत हम लोग एज अ सिविलियन समझ नहीं सकते कि वहाँ क्या हो रहा है उनकी फैमिली के पास, जिनके 40 जवान मरे हैं, उनकी एजेस आप देखिए, उनके आप फैमिली के इंटरव्यूज़ देखिए, आपको पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या बीत रहा है। किसी ने अपने बाप को खोया है, किसी ने अपने माँ को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है। तो ये सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को, और मेजरली उन टेररिस्ट ग्रुप्स को, कि वो लोग धर्म का यूज़ करके वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए। और मैं इसको अपने स्कूल की तरफ से, अपने मैनेजमेंट ऑफ स्कूल फहान इंटरनेशनल स्कूल, यमुना विहार किंडरगार्टन स्कूल की तरफ से, हम लोग इसको पूरी निंदा करते हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरह की राह में बच्चे ना जाएं और एजुकेशन को वो फॉलो करें। क्योंकि हम लोगों का जो ये एक्ट करने का रीज़न था, जैसे अभी हमने एक्ट किया, वो मेजरली बच्चों की उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए था। अभी आप और भी एक्ट्स देखेंगे जिसमें ताइक्वांडो है, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, तो हमारी उनका बच्चों का जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने का मेन हम लोगों का रीज़न है ये सारी चीज़ें करने का, कि बच्चों का जब दिमाग गलत जगह नहीं जाएगा और बच्चे जब वो राइट डायरेक्शन पर वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विल नॉट गोइंग टू हैपन। तो वी विश दैट इंडिया विल ग्रो, एंड वी आर इंडियंस, वी लव इंडिया, वी आर विद अवर जवान्स, वी आर विद अवर CRPF, वी आर विद अवर मिलिट्री, एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम अ जवान। तो वी होप दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन अगेन, और मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्कूल की मैनेजमेंट की साइड से, और बच्चों को एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। जैसे सर ने बताया, हैप्पी प्रोग्राम हम लोग भी अपने स्कूल में स्टार्ट करेंगे इन अ नियर फ्यूचर, और हम लोग सीनियर सेकेंडरी विंग भी लेके आ रहे हैं स्कूल की साइड से। तो दे आर द सो मेनी थिंग्स जिस पे हमें वर्क करना है अभी, और हम करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग। इस वक्त हम दिल्ली के कश्मीर के एरिया में खड़े हैं, ऑडिटोरियम में, जहाँ पर फहान इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ के ऑर्गेनाइजर मिस्टर नौशाद अली जी, आप बताइए स्कूल के बारे में, और जो कल एक हमारे सैनिकों के साथ घटना हुई है दो दिन पहले, उसके बारे में आपके क्या विचार? स्कूल फहान इंटरनेशनल स्कूल ये 1992 से शुरू किया था, और यकीनन DN नकवी साहब और हसन नकवी साहब, जिनसे बेटे अभी मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से अगर ये चीज़ होती है तो फिर हमें पता चलता है कि हम स्कूल के लिए और अपने वतन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैसियत रखते हैं। हमारे ये जो जवान शहीद हुए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। देश का आम इंसान भी अगर कोई मरता है तो वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं,
ہم یہاں آرام سے گھروں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اپنے کاموں پہ لگتے ہیں، لیکن یہ کیوں لگ جاتے ہیں کاموں پہ؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے بی ایس جوان، بی ایس سی ایس کے جوان ہیں، اور جو ہماری فورسز ہیں جو بارڈر پہ لگی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ سکون سے رہتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو ہولی اور دیوالی کے تہواروں کو پی ایم مودی صاحب نے ان کے درمیان میں رہ کے منایا اور یہ ان کو باور دلایا، بھلے ہی تم یہاں پہ بارڈر پہ کھڑے ہو، ہم میں خود یہاں پہ موجود ہوں۔ اور اس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ فہان انٹرنیشنل اسکول کا بہت اہم پروگرام ہے جس میں آپ آئے ہیں، اور یہ 25 سال سے زیادہ ہو گئے اس کام کو جاری ہے۔ جیسے ہمارے سسودیا صاحب نے کہا، بالکل ایجوکیشن کی کوئی ریلیجن نہیں ہوتی، اس بارے میں آپ کا کیا؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جیسے انسانیت جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ چاہے وہ ٹوپی والا ہو یا تلک والا ہو یا کیسے گمچھے والا ہو یا آپ نے ٹوپی اور شیروانی والا ہو، اس سے تعلق نہیں ہوتا، بات ہوتی ہے انسانیت کی۔ جس کے پاس انسانیت ہوتی ہے وہاں پر یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے، اور اس کی اندر جو انسانیت کا پہلو پایا جاتا ہے وہ ایجوکیشن ہی کے ذریعے آتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کون ہے اور انسان کون ہے۔ اور جانور تک کو مارنے کی ہمارے یہاں ممانعت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جانور اگر پیاسا ہے تو اسے پانی پلاؤ اور وضو کے بدلے آپ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ جب جانور تک پہ ظلم نہیں ہو سکتا، یہ تو جوان تھے، یہ تو دیش کو رکشا کرنے والے تھے، اس کے لیے ہم بہت ہی صدمے میں ہیں، اور دیش کبھی بھی اس صدمے کی پل کو بھول نہیں پائے گا۔ اور جو بھی لوگ اس میں شریک ہیں، خاص طور سے جیسے کہ پاکستان ہمارا پہلے سے دشمن رہا ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے سرکار سے جس طرح سے بھی منہ توڑ جواب دیا جائے، جلد سے جلد جواب دے کر اس کو اس حد تک پہنچایا جائے تاکہ وہ آگے کچھ بھی کرنے کی اگر سوچے تو 10 بار اسے کانپنا پڑے۔ کرمویر اور کوشل کے ساتھ راجیو چوپڑا، شائن دلی۔